अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सिवान शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी के यहाँ एक प्रसव कराने आई महिला का जो बच्चा है वो मृत पाया गया है। इस वक्त हम उर्मिला अखौड़ी के बाहर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मृत बच्चा है, महिला जो है वो सिवान शहर के खुरमाबाद निवासी नीरज कुमार की पत्नी रजनीगंधा है जो महाराजगंज की रहने वाली, वो पहली बार माँ बनने वाली थी। उसका 8 महीने से डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी के यहाँ इलाज चल रहा था। 5 मार्च की सुबह 1 बजे के करीब में उसे पेन होने के बाद यहाँ भर्ती कराया गया और परिजनों का ऐसा आरोप है कि रात में 1 बजे, आधी रात को जब 1 बजे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया तो सुबह 6 बजे महिला चिकित्सक उर्मिला अखौड़ी आई और उन्होंने बताया कि बच्चे की हार्टबीट रुक चुकी है, यानी कि बच्चा जो है मृत हो चुका है। उसके बाद महिला की जो डिलीवरी है वो शाम, यानी कि 5 मार्च को शाम 7 बजे कराई गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से इस बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि जब वे लोग महिला को लेकर, रजनीगंधा जो पीड़ित महिला है उसको लेकर यहाँ जब उर्मिला अखौड़ी के यहाँ आए थे तो साफ तौर पे डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी के जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इसे भर्ती करना पड़ेगा। रात 1 बजे इमरजेंसी में भर्ती किया गया, इमरजेंसी का फीस भी ली गई, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो सुबह 7 बजे के करीब में पीड़ित महिला को देखने के लिए आई, यानी कि इमरजेंसी की फीस ले ली गई और 6 घंटे के बाद महिला चिकित्सक आती है, बच्चे की जांच करती है और कहती है कि बच्चा मृत है, बच्चे की धड़कन रुक चुकी है, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस पहुंची हुई है। नगर थाना इंस्पेक्टर जयप्रकाश पड़ित दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं, परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर उर्मिला अखौड़ जिनके यह 8 महीने से इलाज चल रहा है उनकी लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है। परिजनों का साफ तौर पर मांग है कि जो डॉक्टर की लापरवाही है डॉक्टर उसे लिखित में दे। वे लोग कह रहे हैं, परिजन जो हैं वे कह रहे हैं कि इसकी नगर थाना में शिकायत की जाएगी। हालांकि जब हमारी बात डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी से हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चा जो है वो तिरछा था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 8 महीने से इलाज चल रहा है, जब जब डॉक्टर के पास आया गया डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि बच्चा जो है स्वस्थ है, लेकिन पूरी तौर से इसमें डॉक्टर की लापरवाही है, इस बच्चे की मौत में डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही के कारण इस बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल नगर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है, दोनों पक्षों की बातें सुन रही है। लेकिन जो परिजन है उनका सीधे तौर पर आरोप है कि 8 महीने से इलाज चल रहा था, 5 मार्च को रात को 1 बजे जब प्रसूता जो है महिला है उसके पेट में दर्द हुआ तो यहाँ लाया गया, तो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इसे इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर का ये निर्देश है कि इसे इमरजेंसी में भर्ती कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 बजे रात में भर्ती की जाती है, सुबह 6 बजे डॉक्टर आती है, यानी कि इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है, इमरजेंसी का फीस भी लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहिबा 5 घंटे की देरी से आती है, जिसके कारण परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो बच्चा है वो पेट में ही मर गया। सुबह 6 बजे डॉक्टर ये बताती है कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है, बच्चा मर चुका है, लेकिन शाम को 7 बजे बच्चे की डिलीवरी करके उसे बाहर निकाला जाता है, जिससे परिजन काफ़ी आक्रोशित है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी इसे लिखित शिकायत दे। हालांकि पुलिस पहुंची हुई है, पूरे मामले की जानकारी ले रही है। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पे जो मामला है कि जैसे जो पेशेंट है मेरी सिस्टर है और उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली प्रेग्नेंट थी और उसका यहाँ पे इलाज 8 से 9 महीने से चल रहा है, मैडम के पास ही चल रहा है। ठीक है,
तो मैडम ने अपना मतलब जो भी चीज़ है अच्छे से कि जैसे केस खराब हो गया है तो मैडम बोल रही थी कि हम रात को नहीं देखते हैं लेकिन इमरजेंसी एडमिट ले लेते हैं, केवल बिल बनाने के लिए, केवल पैसा। और इनको आम जनता को, आम जनता के लिए मतलब कोई सिंपैथी नहीं है। आम जनता को ये लोग समझता है कि हम चल रहे हैं, आम जनता मतलब 10,000 का जूता पहनेंगे और आम जनता जूता के नीचे आ रहा है। जैसे जैसे शिक्षित जो लोग हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको ऐसे बरगला रही हैं, तो आप सोचिए कि जो जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, उनका क्या ये लोग करता होगा। बच्चा या कोई भी केस खराब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लिखित मांगा जा रहा है भी है, वो स्वस्थ है, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कल रात को लोग यहाँ पे 1 बजे रात को आया, ठीक है, तो यहाँ पर आया और मैडम एडमिट ले ली। उसके बाद कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, एडमिट ले लिया गया। और एडमिट लिया गया बोल गया कि इमरजेंसी है इसलिए इमरजेंसी फी के साथ लिया गया। कितने बजे लिया गया यहाँ पे एडमिशन? 1 बजे रात को लिया। अच्छा, गया ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जो सिस्टर है मेरी जिसका डिलीवरी होनी थी उसको बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेन था, लेकिन 6 घंटे तक कोई पूछने वाला नहीं था। सुबह हमें मैडम आई हैं 7 बजे के आसपास, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड में बताया है कि मतलब बेबी का हार्ट बीट खत्म हो गया। इमरजेंसी में एडमिट लेने के बाद 6 घंटे तक कोई नहीं। अच्छा, 6 घंटे और साथ में ये बोल के लिया गया कि इमरजेंसी फी लाइए जी, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं जी। मेरा कहना था कि अगर मैडम को नहीं देखना था, मेरा मैडम से एक ही सवाल है कि जब मैडम को नहीं देखना था, मैडम नहीं देख सकती हैं जी, तो रात में एडमिशन क्यों लेना था जी। मान लीजिए कि मैडम यहाँ पे मेरी सिस्टर का या पेशेंट का एडमिट नहीं करती, तो हमारा यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, पटना सदर, सिवान सदर हॉस्पिटल है, या किसी और दूसरे भी डॉक्टर हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है केस ऑफ नेग्लिजेंस हो रहा कि मैडम एडमिशन लेती हैं 1 बजे रात को, 6 घंटे तक कोई देखने वाला नहीं है, सुबह 7 बजे अल्ट्रासाउंड कराती हैं और उसके बाद बताती हैं कि बेबी खत्म। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही है इसमें? पूरी तरह होल एंड सोल उर्मिला ठाकुर अखौरी जो हैं, हाँ उर्मिला अखौरी जो हैं, जो मैडम है जिनके पास मेरी सिस्टर का लास्ट 8 से 9 महीने से इलाज चला था, उनकी गलती है होल एंड सोल, इनकी लापरवाही से भी हो रहा है। और साथ में देखिए, आज तो मेरा मतलब सिस्टर का बेटा चला गया, उसके बाद जैसे मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ से मेरी 3 सवा 3 के आसपास बात हुई, तो ये जो मेरे बहनोई हैं उनको ये समझा रही थी कि आपके जो बेबी होने वाला था उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और हमारे जो बहनोई हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है। तो जैसे ये शिक्षित लोगों को बरगलाता है, लोग बरगला दिए, केस खराब कर दिए, इनके लापरवाही के कारण बेबी मतलब ख़त्म हो गया, डॉक्टर की लापरवाही के कारण, उर्मिला अखौरी के लापरवाही के कारण बेबी खत्म हो गया। उसके बाद ये मरीज को, मरीज के जो वार्डन हैं उनको ये समझा रही हैं कि मतलब आपका ये प्रॉब्लम है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? जैसे ये केस ऑफ नेग्लिजेंस बनता है तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस में हम एक कंप्लेंट को दर्ज करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये आज प्रेजेंट की बात नहीं है, आज ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हो रहे होंगे, डेली लोग आते होंगे। आप लोग आए हैं? मैं एक्चुअली, मेरे सिस्टर का घर यहीं पे सिवान में खुरमाबाद में है, लेकिन मेरा घर हुआ महाराजगंज, ठीक है, वहाँ पे हम लोग का घर है। तो शुरू से कहाँ पे लग चलता था महिला का? उर्मिला अखौरी के पास ही चलता था। पहले बच्चा स्वस्थ था? बिल्कुल। मेरी जो सिस्टर से बात होती थी, आप मेरी सिस्टर से जो बात होती थी, बहन है तो बात होगी, तो हमेशा बताती थी कि डॉक्टर साहबिया के पास गए और सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ जो है आम जनता जो है, डॉक्टर लोग को तो भगवान मानती हैं, कोई भी हम हो, आप हो या कोई भी हो, लेकिन ये लोग जो है एडमिट करने का क्या कारण रहा? मुझे प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो पेशेंट है डिलीवरी का हो या कोई भी केस हो, दूसरे हॉस्पिटल में ना जाए, उसको एडमिट कर लिया जाए, पैसा बनाया जाए अवैध तरीके से। मेरा मैडम से सिंपल, मैं 3 घंटे से मैडम को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैडम बस एक क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए कि जब आपको देखना नहीं था तो आपने एडमिट क्यों किया? पुलिस को लिखित शिकायत दे रहे हैं? पुलिस बिल्कुल, मैं पुलिस को लिखित शिकायत दूंगा एकदम बिल्कुल। इसमें मेरा पुलिस से भी आग्रह रहेगा कि एकदम समुचित कार्रवाई करे, क्योंकि आज ये प्रेजेंट की बात नहीं है,
ये कल भी कोई पेशेंट आएगा, कोई महिला आएगी जिसका डिलीवरी। क्या नाम है पेशेंट का? नाम रजनीगंधा है। अपना क्या नाम है? मेरा नाम नागमणि है। मैडम, मैडम जो आप पे आरोप लग रहा है इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, पेशेंट जब आई थी उसको लेबर पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको पेशाब में तकलीफ थी। इन लोगों ने देख के बोला अभी दर्द नहीं है, सुबह मैडम आएंगी तो देख देंगे। फिर ये लोग 4 बजे फोन किए, मैडम एक बार आके देख लीजिए। तो मैं भी अच्छा थोड़ा सा माते हैं, 6 बजे देखा मैंने, धड़कन नहीं था बच्चे का। उस समय वो दर्द के लिए आई नहीं थी, डिलीवरी के पेन के लिए नहीं आई थी, वो उसको पेशाब में तकलीफ थी उसलिए वो आई थी। दर्द तो इन लोग के कहने पे हम सुबह कराए हैं कि मैडम नॉर्मल करा दीजिए, हम बोले ठीक है कोशिश करते कि नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए सुबह में मैंने दर्द कराया, दर्द में नहीं आई थी पेशेंट। मैडम एक आरोप लग रहा है कि इमरजेंसी में आपको 1 बजे भर्ती किया गया और आप सुबह 6 बजे आई, इमरजेंसी का फीस भी लिया गया, तो इमरजेंसी में आप क्यों नहीं देखने आई? इमरजेंसी नहीं थी ना, पेशाब में तकलीफ थी, तो पेशाब के लिए लोग बोला कि पानी पीजिए और नहीं है, क्योंकि अभी पेशाब का दर्द डिलीवरी का पेन नहीं था उसको, डिलीवरी का पेन तो हम सुबह कराए हैं। तो इमरजेंसी में एडमिट करके आप 5 घंटे बाद आइएगा। इमरजेंसी नहीं थी ना भैया, पेशाब में थोड़े से दर्द हो रहा था, जब इमरजेंसी डिलीवरी का पेन होता तब मैं इमरजेंसी। लेकिन ये लोग तो कह रहे कि इमरजेंसी का फीस लिया गया, इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। इमरजेंसी का फीस किसने लिया मैं पूछ बुला के पूछ लेती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी नहीं था, उसको पेशाब में दर्द हो रहा था और पेशाब ठीक से नहीं हो रहा था, ये समस्या थी। अभी लोगों का मांग है कि आप जो भी घटना हुई आप लिख के दे दीजिए, क्या कुछ करेंगे आप? जो पेशेंट ने कंप्लेन किया जो देखा मैंने लिख दूंगी, वो तो मैं लिखी दूंगी, जो बता रहे हैं यही बात है। तो ये आप मान रहे हैं कि आपकी लापरवाही है? नहीं, मेरी कोई लापरवाही नहीं है। नहीं है तो फिर जो लिखी डिमांड हो रहा है तो आप नहीं दीजिएगा? तो मैं जो देखा, जो पेशेंट आई है कंप्लेन लेके थी, पेशाब में तकलीफ और डिलीवरी पेन के लिए थोड़ी आई थी कि इमरजेंसी था, तो जब मैं सुबह देखी हूँ तो धड़कन नहीं था बच्चे का। मैडम जब 7 बजे आपने देखा कि बच्चे का धड़कन नहीं है, फिर शाम को 7 बजे डिलीवरी के परिजन सिग्नेचर भी किए और कहे कि मैडम कोशिश, और मैंने भी बोला कि मैं कोशिश करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, इसलिए इतने घंटे वेट करना पड़ा। मैंने दर्द कराया पेशेंट को, मैंने दर्द कराया पेशेंट को दर्द कराया कि डिलीवरी हो जाएगी तो ऑपरेशन से बच जाएगी, लेकिन चूंकि तिरछा होने कारण बच्चा नीचे नहीं खिसका, तब मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ा। और सुबह में बच्चा जैसे वो लोग बता रहे हैं कि 7 बजे वो उसकी पेट में मौत हो गई, उसके बाद आप शाम को ये ऑपरेट करके निकाल रही हैं, ये क्यों आखिर इतने देर आखिर क्या हो रहा था? वही तो बता रही, जब डिक्लेयर हो गया कि बच्चा जिंदा नहीं है तो गार्जियन भी बोले और मैंने भी उन लोगों को सलाह दिया कि यदि पेन कराने से नॉर्मल हो जाएगा तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, तो उन लोगों ने बोला हाँ मैडम कोशिश करके नॉर्मल करा दीजिए। तो मैंने नॉर्मल के लिए उसको दर्द कराया, दर्द में मरीज नहीं आई थी, डिलीवरी का पेन नहीं था उसको। मैम क्या लगता है वैसे परिस्थिति में इतना समय लगता है क्या डिलीवरी में? 10-12 घंटा लगता है, 10 से 12 घंटा लगता तभी डिलीवरी होती है। डिलीवरी ऐसे नहीं है कि अभी आए 2 घंटे में होगा, कोई भी डिलीवरी 10-12 घंटा से पहले नहीं होता। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।